Hey guys, welcome back for another video. आज एक बहुत मस्त प्रोडक्ट आ गया है. मैंने सोचा पहले उसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ. मैं छोटी सी राइड पे जा ही रहा था तो मैंने सोचा पहले अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, उसके बाद राइड पे जाता हूँ, आपको उसके थोड़े से फीचर्स भी दिखा दूंगा. ये रहा पैकेज, डिलीवर हो गया था कल, बट कल ऑफिस का काम वाम चल रहा था तो खोल नहीं पाए. अभी खोलते हैं इसको, मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग. समझ में तो आ गया होगा आपको शायद क्या है ये. यह है इंस्टा 360 कैमरा X2 वर्जन. बहुत टाइम से देख रहा था, मैं कैमरा लेना चाहता था बट पंगा ये हो रहा था कि मैंने ऑलरेडी वो इंस्टा का 360 गो 2 लिया था. वो छोटा सा कैमरा, मैं आपको स्क्रीन में कहीं दिखा दूंगा, मैंने वो लिया था बट उसके मेरे को ना ज़्यादा यूज़ के समझ नहीं आया. मैं सोचा था बाइक पे लगाऊंगा बट कुछ मज़ा नहीं आ रहा था उसमें से, तो मैंने वो रिटर्न किया. वो पड़ा था ऑलमोस्ट $300 का, ये पड़ा है मेरे को $450 का. बट इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो 360 डिग्री कैमरा व्यू वगैरह वो सब आता है, वो उसमें अवेलेबल नहीं था. तो उस हिसाब से बहुत सही इन्वेस्टमेंट होने वाली है. तो देखते हैं, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या आता है अनबॉक्सिंग में. उसके बाद इसको बाइक पे छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ, ट्रिप पे ले जाएंगे, वहाँ पे भी आपको थोड़े से फुटेजेस दिखाता हूँ मैं, वीडियो में डालता रहूँगा और साथ में मोटो व्लॉगिंग भी करता रहूँगा. ठीक है, चलो देखते हैं फिर इसकी अनबॉक्सिंग. तो गाइस ये है कैमरा. मैं अनबॉक्सिंग टूल तो भूल ही गया, जल्दी से वो लेके आता हूँ. तो लेट्स सी कैसा पैकेजिंग है. तो मैंने जब ये ऑर्डर किया था तो अगर मैं अमेज़ॉन वगैरह से करता तो मेरे ख्याल से 2 दिन में आ जाता, बट मैंने उनकी खुद की वेबसाइट से किया था, इंस्टा की. कुछ ऑफर चल रहा था वहाँ पे, इस वजह से मैंने वहाँ से किया था और आने में बहुत टाइम लगा. आई थिंक 2 हफ्ते लग गए मेरे ऑर्डर प्लेस करने के बीच में और इसके डिलीवर होने के बीच में. पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की हुई है उन्होंने, चारों तरफ से बंद है. ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह से खोला और खुल जाएगा, चारों तरफ से ये डबल साइडेड टेप लगा रखी है. तो काफ़ी सिक्योर पैकेजिंग है, होनी भी चाहिए, बहुत दूर से आ रहा है. राइट, एक साइड तो खुल गई थी बट फिर जुड़ जा रही है क्योंकि डबल साइडेड टेप है. ओके, आई थिंक हमने सही साइड से खोला है. तो ऐसा कुछ दिख रहा है बॉक्स. तो इनका कुछ ऑफर चल रहा था जिसमें वैसे विंटर टाइम पे जो स्नोबोर्डिंग होती है उसके लिए कुछ ऑफर चल रहा था, बट मुझे लगा बाइक्स के लिए भी सही रहेगा वो, तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया था. खोल के देखते हैं इसे क्या है अंदर. ये है इंस्टा 360 ONE X2 जो मेन प्रोडक्ट है. उसके साथ ये 64GB का उसके साथ कार्ड भी मिला है जो उन्होंने बस टेप किया हुआ है. ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग है और देख लेते हैं बॉक्स में क्या है. इसमें कुछ एक्सेसरीज है जो मैं आपको बता रहा था, स्नो बंडल या विंटर बंडल वाला मैंने मंगाया, तो उनके अंदर देखेंगे अंदर क्या क्या है, इसको बाद में खोलेंगे. और लास्ट चीज है लेंस कैप, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको अगर पता नहीं है तो दोनों साइड पे कैमरा होता है, तो लेंस कैप बहुत जरूरी है इसके लिए. तो ये है और भी कुछ है. और एक और ये प्रोडक्ट है उनकी जो स्टिक से आती है, सेल्फी स्टिक टाइप या कैमरा स्टिक टाइप, जो इस पे दिख भी रही होगी आपको प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पे ऐसी वाली स्टिक आती है इनकी, आई थिंक वो है. तो सबसे पहले खोलते हैं प्रोडक्ट इंस्टा 360 ONE X2. अंदर क्या है, ऊपर प्लास्टिक रैप लगा हुआ है इसका, तो एक बार वो हटाते हैं पहले. ये मेमोरी कार्ड नहीं भूलना चाहता हूँ मैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं पहले. ऐसा कुछ दिखता है बॉक्स, अगर आपने इंस्टा गो 2 का भी अनबॉक्सिंग देखा होगा तो कुछ ऐसे ही था उसका बॉक्स भी. और लेट्स सी, ओपन करके देखते हैं. मेरे ख्याल से ऊपर ही कैमरा होगा, अंदर बाकी उसकी एक्सेसरीज होंगी. देखा, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है, सिमिलर ही इनका कंसेप्ट है. तो ये है जो कैमरा मैं बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों साइड आपको लेंस मिल जाता है आगे और पीछे, इसकी वजह से वो 360 के जो व्यूज हैं वो निकाल पाता है. तो एक ये हो गया कैमरा. यहाँ पे देखते हैं साइड में क्या है, छोटे से बॉक्स है इसके अंदर, यहाँ से खोल के देखते हैं साइड से. तो एक तो एक क्लॉथ सा दिख रहा है, उसको रखते हैं साइड में. और ये है केबल टू चार्ज इट, USB-C to USB-A काम आएगी, अच्छी चीज है. और है तो ये उसका कवर है साथ में. तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर, बाकी तो मैनुअल वगैरह है और थोड़े से स्टिकर्स है. ये देखो मैनुअल है ये, और स्टिकर्स आए हैं उसके साथ व्हाइट में और येलो वाला, बहुत अच्छा दिख रहा है. बट मेरे को यूजुअली आदत नहीं है, मैं ये स्टिकर्स वगैरह लगाता नहीं हूँ बाइक पे या अपने हेलमेट पे. ऐसा कुछ दिखता है कैमरा, इसको हटाते हैं, ये गया. दूसरी साइड में भी लेंस है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है अगर मैं हाथ में दिखाऊँ आपको, तो ऐसा कुछ दिख रहा है. इसमें एक फीचर है कि इसकी जो बैटरी है
वैसे साइड में होती है और बैटरी निकल ही जाती है पूरी। तो अगर आपको बैटरी रिप्लेस करनी है तो अलग से बैटरी एक खरीदो, वो पूरा ऐसे हाउसिंग के साथ आएगा इसका, तो जब बंद करोगे तो बंद हो जाएगी, उसके बाद लॉक भी हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, बाद में खोलूँगा। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन भी है, तो जो इसका 1X पहले वाला वर्जन आता था उसमें स्क्रीन नहीं थी, जब से ये 1X2 आया उसमें स्क्रीन आ गई थी, तो इसमें स्क्रीन भी है। इसको ऑन करके सेटअप करके वो सब चीज़ें मैं जल्दी से देख लेता हूँ राइड पर जाने से पहले, अगर ये यूज़ करना होगा तो। पावर बटन है, चलो पावर बटन लगा के देख, कुछ तो हुआ है। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, वो ऑलरेडी दिखा रहा है ना, कैसा दिख रहा है नीचे का है पूरा। ये देखिए पूरा प्रोडक्ट ऐसा दिखता है। मैंने इसके व्यूज़ ही देखे हैं अभी तक, और ये आई थिंक उसका स्टार्ट और स्टॉप का बटन होगा। यहाँ पे जो सामने बटन दिख रहा है, ऊपर लेंस है, ये स्क्रीन है, साइड में देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये पावर चार्जिंग का, ये अच्छा है कि बैटरी निकालनी नहीं पड़ेगी, और USB-C है तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास USB-C वाली, चार्जिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। साइड का जो केसिंग है वो रबराइज है, थोड़ा रोबस्ट सा लग रहा है, बट ओवरऑल डिज़ाइन मस्त है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग नहीं रहा है कि गिरेगा और टूट जाएगा। इसमें आई थिंक ये माइक का है, और नीचे यहाँ पे स्क्रू माउंट करने वाली लोकेशन है। इसको रखा साइड में, बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ क्या क्या आया था उसमें। हाँ, ये उसका कवर है, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको कवर में रख दो, डेमो के लिए देखते हैं कैसे जाएगा कवर में। ओके, तो कुछ ऐसा सा कवर है इसका, कवर में जाने के बाद ऐसा दिखेगा। ये बस क्लॉथ है साफ करने के लिए, और ये पावर केबल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। चलो नेक्स्ट आइटम देखते हैं, जो कि है इसका लेंस कैप। जल्दी से दिखाता हूँ लेंस कैप कैसा दिख रहा है। ये है लेंस कैप, और जब आप कैमरे पे लगाते हो तो ऐसा कुछ दिखता है, ताकि अगर आप पूरा नहीं कवर करना चाहते हो तो सिर्फ एटलीस्ट लेंस कैप लेंस कवर हो जाएंगे उसके। इसको साइड में रखते हैं। ये है वो स्टिक, जो इनविजिबल अपने Insta360 की स्टिक देखी होगी वो है। अरे वाह भाई, आई एम रियली इम्प्रेस विद द क्वालिटी। ऑल मेटल डिज़ाइन लग रहा है, एक्सपेंडेबल भी है। ओह अच्छा, अच्छी खासी लेंथ भी हो जा रही है। यहाँ जहाँ पे आप पकड़ोगे वो रबराइज सरफेस है, कुछ लगा हुआ है उसके ऊपर ताकि आराम से आप पकड़ पाओ। और इसकी बहुत सही खासियत ये है कि जब आप इसका वीडियोस लेते हो, तो मान लो अगर आप 360 डिग्री का वीडियो ले रहे हो तो ये इनविजिबल हो जाती है स्टिक, तो इसीलिए मैंने ये स्टिक के साथ कॉम्बो मंगाया था बंडल। ऐसे 430 का आ रहा था, बट मेरे को 460 वगैरह कुछ का पड़ गया था। नेक्स्ट है ये स्नो बंडल, मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, देखना है मेरे को क्या है। मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है उस टाइम पे क्या क्या था, क्योंकि वो ऐसे लाइटनिंग सेल डील चल रही थी, तो मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मेरे को मेन तो स्टिक चाहिए थी और लेंस कैप चाहिए था, वो दोनों मिल ही रहा था। ओके, ऐसा कुछ खुला है, खुलने के बाद ऐसा दिख रहा है। अच्छा, स्ट्रैप्स वगैरह है इसमें, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। थिंक ये GoPro वाला माउंट है। हेलमेट एक्सटेंशन पोल, अरे यार ये तो सही होगा, अगर देखेंगे अपनी बाइक वाली हेलमेट के ऊपर लगा सकते हैं तो वो भी अच्छा है। ये आपका चेस्ट स्ट्रैप है, वो लगा सकते हो। और ये है पोल माउंट, तो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं इसमें, तो जल्दी से खोल के देख लेता हूँ। ये चेस्ट स्ट्रैप है, मेरे पास ऑलरेडी एक GoPro वाला पड़ा है, तो मैं ये खोल के नहीं दिखाऊंगा। नॉर्मल चेस्ट स्ट्रैप, बड़े कॉमन से है। जो मैं चीज़ देखने में इंटरेस्टेड हूँ वो ये है, आई थिंक ये वो हेलमेट वाला पोल है। ओके, तो ये प्लास्टिक नहीं है, तो ये थोड़ी अश्योरेंस देगा। मेटल डिज़ाइन है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी यार, मतलब इनकी जो एक्सेसरीज की क्वालिटी है ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। GoPro में भी पूरा सब प्लास्टिक ही आता है, ये क्वालिटी अलग ही लेवल की दिख रही है मुझे। और दूसरा, इसमें बहुत सारे वो GoPro वाले जो स्टैंडर्ड माउंट्स होते हैं, किट्स होते हैं, वो सब हैं, काम आएंगे। जो वो पोल वाला बोल रहे थे, पोल माउंट, ये तो परफेक्ट लग रहा है मेरे को, हैंडल बार माउंट। ओके, तो इसको अपनी बाइक के हैंडल पे लगा के देखेंगे, अगर हैंडल बार माउंट जैसा फील हो रहा है, सही हुआ तो आई थिंक मेरी तो लॉटरी लग गई है। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, बट मजा आ जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइज, ये था अनबॉक्सिंग। तो अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इसके अगर आपको फुटेजेस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लो, मैं इसके फुटेजेस डालता रहूँगा मोटो व्लॉगिंग के चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।